दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि ब्रूस ली को नहीं जानते होंगे। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको ब्रूस ली की कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं, जिसे जानने के बाद आपका ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि ब्रूस ली के किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म की शूटिंग के बाद उनकी फाइटिंग सीन को स्लो मोशन में करके देखना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर ऐसा ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। ब्रूस ली किसी को भी 3 फीट की दूरी पर खड़े रहने के बावजूद भी 0.05 सेकंड में पंच मार के गिरा सकते थे। आपको ब्रूस ली की बात ये बहुत शॉकिंग लगेगी कि वे नन चेक्स में इतना माहिर हो गए थे कि चाहे 2 लोग उनसे टेबल टेनिस खेल रहे हों, वे अपने नन चेक्स के जरिए उन्हें भी हरा देते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली की जिंदगी का पूरा सच बताएंगे और बताएंगे कि कैसे सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ब्रूस ली की लाइफ स्टोरी की बात करें तो ब्रूस ली अपनी 16 साल की उम्र में करीब 20 फिल्में एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर चुके थे। ब्रूस ली जो अपने टाइम पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे महान योद्धा थे, कहा जाता है कि वे बचपन में दूसरों से पिटकर घर आ जाते थे, लेकिन उनकी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब वे समय आ गया था जब ब्रूस ली के दूसरों को पीटने की खबरें उनकी मां के कानों तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, ब्रूस ली ने 32 साल की उम्र में 7 फिल्मों में काम कर लिया था, जिन्होंने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और ब्रूस ली के मरने के बाद उनकी 3 फिल्में और भी रिलीज करी गई। ब्रूस ली जब बचपन में दूसरों से पिटकर घर आ जाते थे, तब उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, और ब्रूस ली अब अपनी इस ट्रेनिंग में इतना माहिर हो गए थे कि वे अपने दिमाग को कुछ ऐसे ट्रेन कर लिया था कि वो किताब पढ़ना, वजन उठाना, टीवी देखना और पंचिंग करना, ये 3-4 काम तो ब्रूस ली एक टाइम पर कर लेते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अमेरिका भेज दिया और वहाँ पर उन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जहाँ वो $250 पर आर्स के हिसाब से चार्ज करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय अमेरिका में शिफू वोंग जैकमैन का मार्शल आर्ट के मामले में सिक्का चलता था, और उसने ब्रूस ली को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। ब्रूस ली ने उन्हें सिर्फ 1.5 मिनट में ही हरा दिया। अब जैकमैन को पहले किसी ने कभी नहीं हराया था, और जब ब्रूस ली ने ये काम सिर्फ 1.5 मिनट में कर दिखाया तो वहीं से उनका नाम मशहूर होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि 11 सेकंड में 15 घूसे और 1 लात मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। ब्रूस ली की इस बात को 99% लोग नहीं जानते कि उनकी फिल्म बिग बॉस में उन्होंने एक आदमी का सिर काट दिया था, लेकिन उस मूवी में से उस सीन को काट दिया गया। एक बार हांगकांग में ब्रूस ली की फिल्म गेम ऑफ डेथ के मामले में उनकी प्रोड्यूसर के साथ एक मीटिंग थी, जहां उनका लंच और डिनर दोनों अरेंज करे गए थे। ब्रूस ली को अचानक से तेज सिर दर्द होने लग गया, और उनकी को स्टार ब्यूटी टिंग पाए, जो कि उनकी फिल्म की हीरोइन भी थी, उन्होंने ब्रूस ली को एक पेन किलर दिया, जिसे खाकर वे अपने रूम में सोने चले गए। जब रात में डिनर के टाइम उन्हें उठाने गए, तो दरवाजे को काफी देर तक नॉक करने के बाद भी ब्रूस ली ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके दिमाग में सूजन आ गई थी, और उनके दिमाग का साइज 13% बढ़ गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब ब्रूस ली के करीबी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रूस ली की मौत सिर्फ सरदर्द की वजह से हो सकती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की पत्नी उन्हें स्लो पॉइजन दिया करती थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन ब्रूस ली की मौत आज भी दुनिया के बीच में एक रहस्य बनी हुई है। ब्रूस ली के बेटे को भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गोली लग गई, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे इस दुनिया में ऐसा कौन सा योद्धा हो सकता है जो कि ब्रूस ली को हरा पाए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।